चीन ने भी उसे दगा दे दिया है। अब तो हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं कि विदेशी कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़कर भागने लगी हैं, यानी ना नौकरी ना पैसा ना ही खाना। पाकिस्तान में महंगाई का बम तो फूटा है, अब वहाँ से विदेशी कंपनियां भी भाग रही है, मतलब रोजगार के भी लाले पड़ने लगे हैं। न कमाई होगी, न पैसा रहेगा, न ही पेट भरेगा, यानी पाकिस्तान में लोग अब भूखे पेट मरने वाले हैं। इमरान से लेकर शहबाज तक ने पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अखंड खंड करने का रोड मैप तैयार कर दिया है। मेकअप करवा रहा है, चूड़ियां पहना रहा है। यहाँ से पाकिस्तान से इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश चली। उनकी शरायत क्या थी कि आप आओ, कोई बिल नहीं है, कोई किराया नहीं है, किसी किस्म कोई किराया नहीं है, कुछ आप सिर्फ जितने दिन या इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे 50 साल काम करें या पूरी जिंदगी या 1 साल, तो उसके ऊपर कुछ भी लिया जाएगा। जब आप जाएंगे तो आप कुछ छोड़ के जाएंगे, वो फायदा बांग्लादेश को हो रहा है। पाकिस्तान से सुजुकी मोटर्स, टोयोटा, केमिकल और टेक्सटाइल कंपनी अपना बिजनेस समेट चुकी है। ये कंपनियां विदेशों से कलपुर्जे मंगाती थी, लेकिन डॉलर के रिजर्व को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने आयात पर ही रोक लगा दी। ऐसे में कंपनियों के पास काम रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहां तक कि चाइनीज कंपनियां भी बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं।